हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स जो भी इस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल, और पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और फिर हम बात करेंगे आपके करियर की। ओके, लेट्स सी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता उनकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ओके, फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, मे भी हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला है इन द पास्ट, राइट? और आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन को के साथ लाइक डील किया इन द पास्ट, और आपने अपना 101% दिया, मे भी हो सकता है, राइट? नाउ आप अभी भी उस पर्सन की तरफ स्टक है। मुझे ऐसा लगता है यू आर डीलिंग विद, मे बी यू आर डीलिंग विद एन अर्थ साइन, फायर साइन, और साइंस खैर कोई भी हो सकते हैं हमारे पास। द थिंग इज लाइक यू आर स्टिल, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और उनकी तरफ आप लाइक उनकी तरफ, ऑल दो आपके जो पर्सन है दे आर नॉट लुकिंग एट यू, मे बी हो सकता है वो अपनी लाइफ में स्टक है किसी चीज़ को लेके, राइट? और वो क्लोज्ड ऑफ है, उन्होंने अपना हार्ट क्लोज किया हुआ है, राइट? और जिसकी वजह से आपने भी अपने आप को लाइक आप भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। लाइक हो सकता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड लुकिंग पर्सन, यू बोथ ऑफ यू, बट आपके पर्सन ने अपना हार्ट लाइक चक्रा बंद कर रखा है, उनकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो इसकी वजह से आप भी अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, राइट? बट आप इस सिचुएशन में पीस लाना चाहते हैं, हारमोनी लाना चाहते हैं, यू वॉन्ट कि सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हो जाए आप लोगों के बीच में और दोबारा से बातें भी स्टार्ट हो जाए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है दे आर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टक है किसी चीज़ में, और मे भी हो सकता है आप उन्होंने अपनी तरफ से बंद कर दिया हो या उन्होंने अपने इमोशंस को बरी कर दिया हो, और मे भी हो सकता है आप उनको रीच आउट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लाइक इमोशंस को, जैसे कहते हैं ना, कहीं बंद कर लिया है, दबा लिया है। नाउ इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे बी स्टिल आप कोशिश करेंगे दोबारा से इस सिचुएशन में एफर्ट डालने की, आगे बढ़ के आप उनको लाइक आप चाहते हैं, आर यू स्टिल वॉन्ट टू रीच दैट पर्सन आउट, राइट? अभी आप सेम पेज पे नहीं है, राइट? बट आप फिर उनकी तरफ आना चाहते हैं, आप फिर उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, फिर आप यू वांट टू ऑफर योर कप ऑफ लव टुवर्ड्स दिस पर्सन, राइट? और लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस, की क्या गाइडेंस है आपके लिए। कोई एक जना है जो स्टिल इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है, फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, मुझे अगेन बारी बारी ऐसा ही लगता है। ओके, सो अगर आप कोई टेंशन ले रहे हैं, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बी इन अ प्लेफुल एनर्जी। देखिए, हो सकता है आप देखिए, फॉर फ्यू पीपल, फॉर फ्यू जेमिनी, देखिए सबके लिए ये मैसेज ज़रूरी नहीं है बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। आप अपनी लाइफ का एक पार्ट आप इस पर्सन को दे रहे हैं, मे बी हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर देम, यू आर लाइक आपने कम्प्लीटली लाइक उनकी उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, यू जस्ट स्टिल कीप लाइक वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो आपको यही राय दी जा रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा प्लेफुल होइए और अपनी लाइफ में और कुछ जो आपके अराउंड है उसे भी देखिए। लाइक आपने हो सकता है अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, एक दरवाजे, एक बंद दरवाजे के पीछे आप अपने आप को लाइक बाउंड किया हुआ है। सो हो सकता है ये आपके लिए मैसेज हो कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ में से बाहर निकलना चाहिए और इस एनर्जी में आना चाहिए, राइट?
इन अ प्लेफुल एनर्जी, जैसे आप पहले थे, राइट? और स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ. सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए. चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की. फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, करियर वाइज आपके लिए क्या कैसा रहेगा ये हफ्ता? आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं. मे बी हो सकता है आप कुछ एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं अपना काम. यू आर लाइक मल्टीटास्किंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. और मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि होम लाइफ, कुछ के लिए हो सकता है कि बैलेंस कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, लाइक मल्टीटास्किंग, राइट? एक टाइम पे बहुत सारे काम करने की शायद सोच रहे हैं या एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं. और हो सकता है कि यू आर लाइक वर्किंग मॉम और अ वर्किंग, लाइक कुछ है ऐसा, आप एक्सपैंड करने की ग्रोथ, यू आर लाइक लुकिंग टूवर्ड्स लाइक एक्सपैंडिंग योर बिजनेस. और हो सकता है किसी के साथ किसी की राय ले रहे हों, हो सकता है कि किसी से बात कर रहे हो सकता है मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हों. और विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप ने अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं. पास्ट में आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं अपने काम को लेके. हो सकता है आपको ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो और बर्डन हो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का, प्रेशर भी हो सकता है. हो सकता है टायर्ड फील करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के यू आर एक्सपैंडिंग योर वर्क, यू आर ग्रोइंग विद द एम्प्रेस कार्ड. येस, ग्रोथ, इट्स इंडिकेटिंग ग्रोथ. और हो सकता है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ऑनलाइन कोई काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसा काम हो पब्लिक डीलिंग वाला, बहुत से लोग आते हो और आप लोगों को कुछ गाइड करते हो, समथिंग लाइक दैट. तो मुझे थोड़ा सा बर्डन भी नजर आ रहा है काम का, और मे बी हो सकता है मल्टीटास्किंग मुझे नजर आ रही है. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. क्या गाइडेंस है फॉर योर करियर एंड फाइनेंस? ओके, देखिए आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए. मे भी हो सकता है कुछ काम का शायद प्रेशर हो सकता है, कुछ भी है, बट कोई बात नहीं. यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री. द थिंग इज आपको थोड़ा सा ये जो कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज हो, या मे भी हो सकता है कुछ भी हो जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, या वर्क रिलेटेड अगर कोई प्रेशर है तो प्लीज़ उसे रिलीज करने की कोशिश कीजिए. और वो आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा टेक योर टाइम टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप में थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देती है. मे भी हो सकता है देयर इज समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है. फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, राइट? मे बी अ पर्सन, मे बी कुछ हो सकता है जो आपको बॉदर कर रहा है, या मे बी हो सकता है कोई किसी का बॉस के साथ कुछ हुआ हो, झगड़ा या समथिंग लाइक दैट. तो उससे थोड़ा सा अपने आप को लाइक जो प्रेशर है वो रिलीज कीजिए, और जस्ट फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, उस पर फोकस करना है आपने, राइट? And this will help you. Maybe meditation will help you. So that's all we have for all you people. अगर आपको reading पसंद आए तो इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए. मिलती हूँ next time with another reading. Till then, take care. Bye. अपना ख्याल रखिए.